So welcome all of you to Prashasanik Gurukul. Now we are going to analyze code on wages 2019. जो बाकी provision थे first class में हमने देखा कि जो basis था आपका code का और उसके बाद में हमने definitions देखी particular. अब हम देखेंगे जो उसके अंदर के provision है. Important provision पे आएंगे और उसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा lengthy जो provision है जहाँ पे आपको skip करना है वो सारी चीज़ें मैं already कर चुका हूँ. आपको one by one नहीं बताऊँगा. इम्पोर्टेंट जो प्रोविजन है उसको मैं हाईलाइट करके आपको बताऊंगा. बट कुछ ऐसे प्रोविजन है जो आ सकते हैं अगर कोड ऑन वेजेस आपका पे क्वेश्चन आता है तो आपको कम से कम वो प्रोविजन तो देखने हैं जिसमें इम्पोर्टेंट कमेटी स्टेब्लिश की गई है या फिर किसी इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बताया गया है. जैसे मिनिमम वेज से रिलेटेड यहाँ पे कोड ऑन वेजेस में मिनिमम वेज से रिलेटेड उसके फिक्सेशन का जो एक क्राइटेरिया है वो दिया गया है कि आप कैसे फिक्स करेंगे. प्रोसीजर दिया गया है, ठीक है. अथॉरिटीज दी गई है, ठीक है. वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी. उससे रिलेटेड सेक्शन भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है. तो यहां पर सेक्शन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों एक साथ मैंने इसलिए लिखे हैं कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में सिंपली आपका आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो क्या होना चाहिए, वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए. इसीलिए जो सेकंड डेफिनेशन उसके बाद में पहली चीज क्या है यहाँ पे, जैसे इक्वल रिम्यूनरेशन की जब हम एक्ट की बात करते हैं वो इसमें इंक्लूड किया गया है. तो सबसे पहले भाई आप किसी इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे, क्या आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे या किसी ऐसे जगह काम करना चाहेंगे जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशंस है उसमें इनइक्वालिटी हो. नहीं, आप क्या बोलेंगे कि वहां पे इक्वल एटमोसफेयर होना चाहिए, सबके लिए इक्वल एटमोसफेयर होना चाहिए. तो पहला जो सेक्शन है सेक्शन थर्ड करता है वो आपका प्रोहिबिट करता है किसी भी एम्प्लॉयर को कि आप डिस्क्रिमिनेट करो किसी भी बेसिस पे, ठीक है. तो वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है सेक्शन थर्ड. बस आप ऐसे ध्यान रखना सेक्शन थर्ड में कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिशन करना जो है पहले आपके सेक्शन में है. पहले का मतलब क्या है, डेफिनेशन के बाद से एक्चुअल एक्ट स्टार्ट होता है. आपको पता है पहला किसी भी एक्ट में जो फर्स्ट उसका सेक्शन होता है, फर्स्ट प्रोविजन होता है, वो उसकी एप्लीकेबिलिटी स्कोप के ऊपर होता है, किस पे एप्लीकेबल है, किस पर्टिकुलर टाइम पे वो एनफोर्स हुआ, ठीक है, या फिर कब वो उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली. वो हमने देख लिया 8 अगस्त 2019 को मिली थी, ठीक है. यहां पर जो सेकंड है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर सेक्शन 3 में किसी टाइप का डिस्प्यूट होता है तो आपको वहां पर जो पर्टिकुलर प्रोसेस है उसको फॉलो करके ही डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है. तो हो सकता है कि कहीं पे जेंडर इक्वालिटी नहीं हो, कहीं पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जेंडर के बेसिस पे, तो सेक्शन 4 उस बेसिस में क्या बोलता है, यू शुड अप्लाई द प्रॉपर प्रोसीजर अंडर द एक्ट, ठीक है. जो एक्ट का प्रॉपर प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा. और सेक्शन 5 क्या बोलता है कि आपको क्या देनी पड़ेगी, आपको एक मिनिमम वेज देनी पड़ेगी, ठीक है. हर एम्प्लॉई को जो भी आपका वहां पे काम कर रहा है उसको आपको एक मिनिमम वेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ये बेसिक सेक्शन है सेक्शन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. देखिए अब फिर से इसको रिपीट करता हूं जिससे आपको याद रह जाए कि सबसे पहले डेफिनेशन के बाद में जो पहला प्रोविजन आता है हम देखते हैं, इंडस्ट्री में जाएंगे देखेंगे यहां पे डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा तो नहीं है कि अगर एज ए वुमेन कोई एम्प्लॉई जाती है तो वो देखेगी भाई इक्वल वेज मिलेगी तभी मैं इंडस्ट्री ज्वाइन करूंगी. तो पहला प्रोविजन यहां पे डेफिनेशन के बाद में आया, थर्ड प्रोविजन जो थर्ड सेक्शन जो है वो आएगा प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन, एनी काइंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उसको प्रोहिबिट करेंगे, ठीक है. फिर उसके बाद में अगर उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हुआ उसको रिजोल्व करेंगे, उसमें सेक्शन 4 है. नेक्स्ट सेक्शन, फिर नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है, सबको आप मिनिमम वेज भी देंगे. पहले आप क्या डिसाइड करेंगे, पहले आप पैरिटी डिसाइड करेंगे, जेंडर में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप उसकी रेमेडी देंगे सेक्शन 4 में. सेक्शन 5 क्या बोलता है कि सबको मिनिमम वेज तो देंगे ही. समझ गए आप, तीनों प्रोविजन आपके याद हो गए होंगे. ये एक सिंपल चीज है, इसीलिए मैंने तीन वर्ड बस तीन ये लाइन आपको स्टेटमेंट दिए कि पहले आप इक्वालिटी स्टेब्लिश करेंगे सब में, अगर डिस्प्यूट होता है आप उसकी रेमेडी देंगे, अगर दोनों चीजें नहीं है सबको आप एक मिनिमम वेज जरूर देंगे. ये है सेक्शन 5. तो प्रोविजन रिलेटेड टू मिनिमम वेज और पेमेंट ऑफ मिनिमम वेज जो है वो आपका सेक्शन 5 है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है. देखिए मैं आपको बता भी दूं, एमसीक्यू कराऊंगा तो और अच्छे से आपको पता ही चलता रहेगा, बट फिर भी मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग
प्रोविजंस ऑफ कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज गिवन, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ इतना प्रोहिबिशन ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज गिवन, या वो आपसे डिस्क्रिमिनेशन है पूरा यहां पे, ठीक है, स्पेस नहीं था तो लिखा नहीं, तो डिस्क्रिमिनेशन इज गिवन, ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सिंपल आपको ये भी दे सकते हैं कि भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड प्रोविजन क्या है, ठीक है, तो ये है आपका थर्ड। और फिफ्थ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ क्या कहता है कि एक मिनिमम वेज सबको दो, अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, चार क्या देता है उसकी रेमेडी देता है, समझ गए, ये एमसीक्यू के थ्रू आपको रिवाइज करा दूंगा और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, जब हम मिनिमम एज देखें, एज सीरीज में है, आपके याद होते चले जाएंगे, इसलिए मैं वन बाय वन आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं, आपको कितने अच्छे से अब याद होता चला जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं सेक्शन फाइव क्या कहता है, सेक्शन फाइव कहता है कि सबको मिनिमम वेज दो, सेक्शन सिक्स क्या कहता है, अब वो मिनिमम वेज क्या होगी, उसे फिक्स कैसे करेंगे, फाइव ने कहा सबको मिनिमम वेज दो, अगला कहता है अब फिक्स इसको कैसे करें, तो फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज का जो सेक्शन है वो सिक्स हो गया। फिर से देखिए, सेक्शन थ्री कहता है जब मैं किसी इंडस्ट्री में जाऊंगा इक्वालिटी यहां पे होनी चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज सेक्शन थर्ड फिर लेके आएगा प्रोहिबिशन ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फिर वो बोलेगा अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कुछ इस टाइप की चीजें तो मुझे रेमेडी मिलेगी, प्रॉपर प्रोसीजर लो किसी टाइप का, तो चार नंबर आ गया। फिर पांच नंबर क्या कहता है, सबको भाई मिनिमम वेज दे दो, और वो मिनिमम वेज क्या होनी चाहिए ये सेक्शन सिक्स फिक्स करेगा। अब आइए, 2S में भी आपने देखा था जो डेफिनेशन थी वो क्या बोलता था, मिनिमम वेज इज दैट वेज फिक्स्ड अंडर द सेक्शन सिक्स, सेक्शन सिक्स फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब यहां पर ये बोल क्या रहा है, यहां पर ये बोल रहा है कि आपका जो फिक्स करेगा वो कौन करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, आप ये ध्यान रखना, मिनिमम वेज को सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं फिक्स करती, पर करेगी जहां पर जो पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट, पर्टिकुलर इंडस्ट्री अगर सीधा सेंटर के अंडर है तब वो करेगी, अदरवाइज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यहां पे ना स्टेट गवर्नमेंट दिया गया, ये ध्यान रखना, आप आपसे कोई स्टेटमेंट दे कि मिनिमम वेज इज फिक्स्ड बाय, तो आप बोलेंगे यहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो सेंटर भी हो सकती है अगर वहां पर कुछ ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जो डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में आता है, आपको पता है बहुत सारी इंडस्ट्री का, ठीक है, बट स्टेट जनरली आप इसको देख लेते हैं कि मिनिमम वेज तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, बट यहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसीलिए दिया गया है। मैंने आपको क्या बताया, एक नेशनल फ्लोर वेज सेंटर ही बनाती है नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज, बट जो सिंपल मिनिमम वेज है उसका फिक्सेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि कुछ ऐसी इंडस्ट्री हो सकती है जहां पे स्टेट का कोई लेना देना ही नहीं है, सेंटर उसको डायरेक्टली ओन करता है, डायरेक्टली ऑपरेट करता है, डायरेक्टली मैनेज करता है, वहां पे क्या है, वहां पे भाई सेंटर करेगी फिक्स, समझ गए आप। अब मिनिमम वेज का जो रेट, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो है वो किस टाइप से फिक्स हो सकता है, उसका यहां पे दिया गया है कि आप बाई आवर भी कर सकते हो, भाई आप ऐसा भी कर सकते हो कि हम आपने इतने घंटे काम किया तो आपका इतना वेज होगा, हर घंटे का आपका 100 रुपये होगा आप मान लीजिए, ठीक है, या 200 रुपये आप हर घंटे पे कर रहे हैं, फिर वो कह सकता है कि भाई आप बाय डे भी कर सकते हैं कि आप रोज इतना काम करिए हम आपको उतना वेजेस देंगे, आप मंथली भी कर सकते हैं, इससे अलग कोई क्राइटेरिया नहीं है यहां पे, एनी वन और मोर दो क्राइटेरिया एक साथ भी हो सकते हैं, भाई इतने घंटे इतने दिन, या इतने दिन एक महीने में इतने दिन काम करोगे, या एक महीने में इतने घंटे काम करोगे, या एक महीने में इतने घंटे और इतने दिन काम करोगे, तो इनमें से कोई एक क्राइटेरिया भी चूज कर सकता है और ज्यादा भी चूज कर सकता है, तीनों भी चूज कर सकता है और कोई एक भी कर सकता है, ये ध्यान रखना आप,
अगर किसी को मिनिमम जो वेजेस फिक्स करना है, ऐसा नहीं है कि वो मंथली बेसिस पे ही दे रहा है या डेली बेसिस पे ही दे रहा है या आवरली बेसिस पे दे रहा है या इन तीनों में से अलग अलग किसी के, नहीं, वो हो सकता है तीनों बेसिस पे दे, दो बेसिस पे दे या एक बेसिस पे दे, तो तीनों कंबाइंड भी यूज किया जा सकता है क्राइटेरिया, बट यही क्राइटेरिया है। आपको अगर यहां पे क्वेश्चन में आया क्या वीकली फिक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मिनिमम वेज को वीकली फिक्स नहीं किया जा सकता, यह आप ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्राइटेरिया वो क्या है, आवर का है, डे का है, मंथ का है, ईयरली भी नहीं है, हाफ ईयरली भी नहीं है, सिर्फ मंथली, डेली, आवरली बेसिस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे मैं आपको बता रहा हूं इंफॉर्मेशन। अब आते हैं प्रोसीजर क्या होगा। सेक्शन 6 बताता है फिक्सेशन, अब ये बता रहा है उसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा। वहां पर हमने क्या देखा, फिक्सेशन का एक क्राइटेरिया देखा और कौन उसको फिक्स करेगा। अब पूरा जो प्रोसीजर है, अब प्रोसीजर में क्या है, यहां पर प्रोसीजर में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है एस्टेब्लिशमेंटों पे कमेटी। जो भी गवर्नमेंट आपकी मिनिमम वेज को फिक्स कर रही है, रिवाइज कर रही है, रिव्यू कर रही है, वो सबसे पहले क्या करेगी, एक कमेटी एस्टेब्लिश करेगी। क्या करेगी, एक कमेटी को एस्टेब्लिश करेगा, पहला प्रोसीजर। तो आपसे पूछ सकते हैं पहला प्रोसीजर क्या है रिवाइज या फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेज में, सेक्शन 8 में गिवन है। तो आप बोलेंगे पहले वो कमेटी एस्टेब्लिश करेगी। अब वो कमेटी क्या करेगी, आपने कमेटी बना दी, कमेटी बनाने के बाद वो कमेटी क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन जारी करेगी प्रपोजल्स का। उस नोटिफिकेशन क्योंकि आपको पता है कि कोई अगर बिल भी आता है, एक ड्राफ्ट जो है, ड्राफ्ट नोटिफाई किया जाता है अपना ड्राफ्ट पब्लिकली। कोई भी बिल आता है, आपको पता है कि अगर रिसेंट में भी एक पर्टिकुलर बिल पे काफ़ी चर्चा हुई थी, बहुत सारे सजेशन मांगे गए थे, जो आपका पर्सनल डेटा बिल जो था, ठीक है, जो आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड था, वो उसको फिर वापस भी ले लिया गया था क्योंकि कुछ सजेशन ऐसे आए थे, उससे रिलेटेड कुछ कंसर्न थी, फिर से उसको लेके आ रहे, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा बिल जो था, ठीक है। तो ऐसे ही ये नोटिफिकेशन देगी, प्रपोजल्स देगी, इस टाइप की चीजें वो। फिर अगर बात करूं मैं इस कमेटी की, तो इस कमेटी में तीनों का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। किस किस का, एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयज का, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो तीनों का इसमें क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, कुछ एक्सपर्ट आप बुला सकते हो, कोई इस टाइप की अथॉरिटी, कुछ इस टाइप के लोग बुला सकते हैं जो एक्सपर्ट लोग हैं। तो तीनों का इसमें रिप्रेजेंटेशन अनिवार्य, नेसेसरी है, ठीक है। फिर आपका अब फिक्स कौन करेगी, फिक्स गवर्नमेंट ही करेगी, कमेटी फिक्स नहीं करेगी। आप ये ध्यान रखना, ये जो कमेटी स्टेब्लिश की गई है सेक्शन 8 में, ये फिक्स नहीं कर रही है, ये सिर्फ रिकमेंडेशन दे रही है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, सरकार को बोल रही है कि हमने ये एनालाइज किया, पहले हमने नोटिफिकेशन निकाला, अपना एक प्रपोजल दिया, लोगों के बहुत सारे सुझाव आए, सजेशन उनके आए, उनके बेसिस पे हमने एक आपको रिकमेंडेशन दिया है, तब आप जाके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आप फिक्स करिए, ठीक है। और इस जो गवर्नमेंट है उसको और क्या करना चाहिए, सेल है, देखिए यहां पे सेल वर्ड का मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पे भी आपने सेल वर्ड यूज किया होगा, इसका मतलब है कि वो कंपलसरी है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। यहां पे सेल गिवन है, इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो कंसल्ट करेगी एडवाइजरी बोर्ड जो है एस्टेब्लिश किया जाता है सेक्शन 42, हम देखेंगे आगे सेक्शन 42 के अंदर जो बोर्ड आपका एस्टेब्लिश किया जाएगा उससे कंसर्न जरूर किया जाए, उससे कंसल्ट जरूर किया जाएगा, तभी आप वो करेंगे, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट जो है वो रिव्यू करेगी, और रिव्यू का जो एक इंटरवल, देखिए एक तो है फिक्सेशन, आपने फिक्स किया, उसके बाद में फिक्सेशन के बाद में जो उसका रिव्यू होगा उसका जो इंटरवल है वो 5 ईयर है, 5 ईयर से कम टाइम में ही आपको रिव्यू करना है, 5 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आपसे अगर पूछा गया कि रिवीजन जो है उसका मिनिमम पीरियड कितना है, मिनिमम वेज के रिवीजन का जो क्राइटेरिया है वो है 5 साल, 5 साल से पहले ही करना होगा, उसके बाद में नहीं, ठीक है। तो ये भी कंपल्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देखेंगे यहां पर पावर क्या होगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब मैं यहां पे बात करता हूं फ्लोर लेवल मिनिमम वेज की।
फ्लोर लेवल मिनिमम वेज जो है, जो फ्लोर वेज का अगर कंसेप्शन आया, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। जब भी मैं फ्लोर की बात करता हूं तो नेशन को ऐसे समझ लेना, उसके बाद में डिफरेंट स्टेट आ गए, ठीक है। फ्लोर का मतलब मैंने एक बार डिफाइन कर दिया, एक स्टैंडर्ड नेशनल लेवल का, ठीक है। जब भी फ्लोर का कंसेप्शन आया आप समझ लेना सेंट्रल की मैं बात कर रहा हूं। तो फ्लोर अगर आपसे पूछ लिया गया कि फ्लोर वेज कौन डिफाइन करता है, कौन फिक्स करता है, तो फ्लोर में हमेशा इसका मतलब है सेंट्रल लेवल की बात, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। वो मिनिमम जो लिविंग स्टैंडर्ड है इसमें आपको जाना नहीं है, बट एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि ये जो फ्लोर वेज है ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्री के लिए ये एक ही हो, फ्लोर वेज भी कहीं कहीं हो सकती है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो कंसर्न रहती थी, जो मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट लेबर कमीशन था उसने क्या बोला, फर्स्ट लेबर कमीशन ने बोला कि भाई अगर आप एक ही लेबर, एक मिनिमम नेशनल लेबर लेबर वेज आप डिफाइन करते हैं, नेशनल लेवल पे एक मिनिमम वेज का बार लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है वो फिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने वो दे दिया कि भाई आप डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज के लिए डिफरेंट नेशनल डिफरेंट जो है मिनिमम वेज, फ्लोर लेवल मिनिमम वेज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए मैप तो यहाँ पे मैं अच्छे से नहीं बना पाऊंगा, बट अगर आप यहाँ पे देखें कि हमने वेस्ट के लिए एक मिनिमम वेज रख दी फ्लोर लेवल, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक रख दी, साउथ इंडिया के लिए एक रख दिया, सेंट्रल के लिए एक रख दिया, नॉर्थ के लिए एक रख दिया, ठीक है। तो हमने ऐसे पांच आपकी फ्लोर लेवल रीजनल बेसिस पे बना दी। मैं आपको यहाँ पे बोला था कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी जब फ्लोर की बात आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, बट उसने भी क्या कर दिया कि एक जो सिमिलर ज्योग्राफी, जैसे मैं वेस्ट को देखता हूँ तो देखता हूँ कि राजस्थान, थोड़ा गुजरात का पोर्शन, मध्य प्रदेश जो MP है, ठीक है, और थोड़ा ये सब पोर्शन, इसके लिए मैं एक वेज रख देता हूँ। इधर सदर्न इंडिया की कंट्री के लिए एक, क्योंकि उनका कल्चरली आप देखें, ज्योग्राफिकल रीजन देखें, थोड़ी सिमिलर है, जैसे नॉर्थ ईस्ट है उसके लिए एक फ्लोर वेज लगा देते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन के लिए डिफरेंट, ये याद रखना। और ये क्या है कि मिनिमम वेज, मैंने ये आपको बता ही दिया कि मिनिमम वेज किसी भी गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट देखिए, जनरली स्टेट गवर्नमेंट ही मिनिमम वेज को करती है वहां पे, पर मैंने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमेशा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सिर्फ आपका क्या हो, या फिर यूनियन टेरेटरीज हो, वहां पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, ठीक है। वहां पे भी आपको पता है कि स्टेट लेवल पे उनके अपने डेलीगेटेड पावर्स उनको गिवन होती है, बट जनरली वहां पर डायरेक्ट उनका वो होगा, या बहुत सारी इंडस्ट्री जहाँ पे आपका सेंटर का ही कंट्रोल है, बट जनरली वे स्टेट गवर्नमेंट करती है क्योंकि हर एक रेस्पेक्टिव उसमें। तो मिनिमम वेज कभी भी लेस देन नहीं होनी चाहिए फ्लोर वेज से, ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। अब यहाँ पे वैसे तो आपने देखा होगा कि जनरल भी वो होगी नहीं, क्योंकि आपने तो कर दिया, हर स्टेट कुछ ना कुछ ज्यादा ही देगा, तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है सेक्शन 9 में, ठीक है। MCQ कराऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको जब इतना डिटेल में आप ये पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आपका आया सेक्शन 13। सेक्शन 13 में आप यहां पे देख सकते हैं कि ये है फिक्सिंग आवर्स ऑफ वर्क फॉर नॉर्मल वर्किंग डे। यहां पर 13 में हम क्या कर रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि हमने फैक्ट्री एक्ट में पढ़ा, तो उसमें वहां पे चाइल्ड के लिए उन्होंने फिक्स किया 9 आवर्स पहले, फिर उसके बाद में वुमेन के लिए 11 आवर्स का फिक्सेशन किया, फिर उसके बाद में मैन के लिए भी उन्होंने फिक्सेशन, धीरे धीरे उसका ऐसे ही अगर आप यहां पे देखते हैं तो हमारे जो कोड ऑन वेज है 2019 उस पे भी फिक्स किया गया है। और यहां पर बोला गया है कि गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलर वो फिक्स करेगी, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है कि वन डे रेस्ट जरूर होना चाहिए हर 7 दिन में। हर 7 दिन के अंदर एक जरूर रेस्ट का पीरियड होना चाहिए, एक छुट्टी आपको देनी पड़ेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, बाकी इसकी जो कंडीशन है वो आप जाना मत उस पर, ना ही आपके काम की है। फिर उसके बाद में है सेक्शन 14। सेक्शन 14 में हमने क्या किया, यहाँ पे क्या है वेजेस फॉर ओवरटाइम। देखो आपको पता है कि आप अगर किसी कॉरपोरेट में आपने काम किया होगा या पर्टिकुलर किसी भी फर्म में आपने काम किया होगा, तो ओवरटाइम तो आप ये समझ लीजिए जनरल होता है, आपका 5 बजे का है आपका काम खत्म नहीं हो रहा है, सॉरी, तो आपको 7 बजे तक बोल दिया कि आप आज 7 बजे तक काम करिए, तो ऐसे में वर्कर के पास, एम्प्लॉय के पास में राइट है, क्या राइट है, उसके पास में राइट है कि
आप उसको पेमेंट देंगे क्या? डबल पेमेंट देंगे। मान लीजिए, देखिए ये कंसेप्शन आप जरूर समझना कि ये जो ओवर टाइम का कंसेप्शन है, और अगर आप कुछ लोग अभी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप अपने इस राइट को दिखा सकते हैं यहाँ पे। अभी पर कोड ऑन वेजेस जो न्यू ये है, ये तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट जनरली भी ओवर टाइम का क्या है, ट्वाइस है। तो ये पर्टिकुलर प्रोविजन आप यूज करेंगे कि अगर आपने, मान लीजिए आपको एक घंटे का 100 रुपया मिलता था, जनरल नॉर्मल वर्किंग आवर की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल वर्किंग आवर में आपको इतना मिलता था, आपने ओवर टाइम किया 2 घंटे, तो आपको अब क्या मिलेगा, उन 2 घंटे का हर घंटे का आपको 200 रुपए मिलेगा। तो आपको एक घंटे का 200 मिलेगा, 2 घंटे आपने ओवर टाइम किया या आपने ओवर टाइम किया तो आपको 400 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपका राइट है, लीगल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ओवर टाइम सेक्शन 14 याद रखिए, ना रखिए इसको जरूर याद रखिए, ट्वाइस द नॉर्मल, ठीक है। अब चलते हैं फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, ठीक है। वो पीरियड मैंने आपको बताया था कि किस बेसिस का होना चाहिए, सेक्शन आपका 16 है। तो एम्प्लॉयर, यहाँ पे देखिए, एम्प्लॉयर सेल फिक्स द वेज पीरियड फॉर एम्प्लॉई आइदर एज डेली, वीकली और फोर्टनाइटली और मंथली, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो वेज पीरियड इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉई सेल बी मोर देन 1 मंथ, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आप सिंपल वेज का वो रखते हैं तो उसमें मंथ से बड़ी कोई चीज नहीं है, ठीक है। अब आप यहां पर क्या है, आप उसके उसको इस टाइप से पेमेंट कर सकते हैं, जो उसकी वेज है वो दे सकते हैं। आर्टिकल 16 है ये, आपका फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड है, बट ये एम्प्लॉयर करता है, ठीक है। बट इसको आप ज़्यादा ध्यान मत देना, और इस ये पर्टिकुलर कोई इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है, बट फिर भी आप एक बार देख लेना कि फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड किस में होता है, 16 में, बाकी अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब टाइम लिमिट इसमें, इसी में आगे जो है एक वो टाइम लिमिट है, वो इंपॉर्टेंट है आपका, कि आपको कब दी जाएगी सैलरी। अगर आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, देखिए ये बहुत ध्यान से आप समझिए कि सैलरी का टाइम क्या होगा, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ वेज। आपने काम किया आज, आज का काम किया, उसके एंड होने के बाद जैसे शिफ्ट एंड होगी तो आपको आपको पेमेंट मिलना जरूरी है। फिर अगर आप वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं तो जिस दिन आपका लास्ट वर्किंग डे होगा उस दिन आपको नेसेसरी है कि आपका एम्प्लॉयर आपको पैसे देगा, ठीक है। बिफोर द हॉलीडे, मैंने बताया 6 दिन आपने काम किया तो उस हॉलीडे से पहले आपको मिल जाएगा। अगर फोर्टनाइटली बेसिस पे अगर आप काम है तो बिफोर द एंड ऑफ सेकेंड डे, ठीक है। अगर मंथली बेसिस पे है तो बिफोर द एक्सपायर। देखिए अगर कोई भी आपका, आप मंथली बेसिस पे कहीं पे आपको सैलरी मिल रही है और 7 तारीख के बाद में आपको कोई सैलरी देता है, ये वॉयलेशन हो जाएगा, ठीक है। 7 तारीख आपकी फिक्स डेट है, कोड ऑन वेजेस 2019 के, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जब आपका जो पर्टिकुलर मिनिमम वेज एक्ट और बाकी जो एक्ट है वो सारी चीज़ें मैं आपको, इक्वल रिम्यूनरेशन, बाकी मैं 1 by 1 जो ओल्ड एक्ट है वो जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आएंगे। अभी भी ये जो एक्ट आपके कोड है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, 2024 की एक नई गाइडलाइन दे दी गई है। आप अभी के रिसेंट के न्यूज़पेपर पढ़ना, उसमें आपको पता चलेगा कि 2019 की अब गाइडलाइन दे दी गई है, ठीक है। देखिए कुछ ऐसी कंडीशन होंगी जिसमें वो पेमेंट उसके लिए कंपलसरी नहीं होगा कि आप करें उस टाइम पे, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, अगर आपको डिसमिस कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, रिट्रेंचमेंट है, कुछ रिजाइन कर दिया, तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है, ठीक है। उस केसेस में जैसे आपकी इस टाइप का अगर कोई केस है इन दोनों में से, तो आपको वेज क्या किया जाएगा, वेज सेल बी पेड विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ हिज रिमूवल, डिसमिशल, रिट्रेंचमेंट और एज द केस मे बी हिज रेजिग्नेशन। अगर मान लिया आपने रेजिग्नेशन है, डिसमिशल है, रिमूवल है, तो अगले जो 2 वर्किंग डे होंगे उसके अंदर आपको आपकी सैलरी मिलनी चाहिए। बहुत सारे केसेज आपको पता ऐसे होते हैं कि वो आपने रिजाइन कर दिया, फिर आप उनको मेल करते रहते हैं, आप बोलेंगे कि भाई मेरी सैलरी दीजिए, या मेरा जो भी बचा हुआ पेमेंट है वो बोलते हैं कि नेक्स्ट उसमें होगा, तो ये कोड
आपका क्या करता है, आपका यहाँ पे इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करता है कि दो वर्किंग आवर में आपको मिलना चाहिए, दो वर्किंग डेज में, ठीक है, टू वर्किंग डेज। अब ये भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने रेजिग्नेशन दे दिया है या आपका डिसमिशन हुआ है, रिमूवल होगा हुआ है, तो उस केसेस में आप यहाँ पे दो वर्किंग डे के बाद में क्लेम कर सकते हैं और नेसेसरी है कि एम्प्लॉयर आपको देगा। कोड ऑन वेजेस 2019 की हम बात कर रहे हैं, बार बार इसे जरूर याद रखना, जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है वो इम्प्लीमेंट 2014 डेडलाइन उसकी दे दी गई है, जो आपके ये कोड ऑन वेजेस थे, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे रिजर्वेशन है लोगों के कि उनको लगता है कि यहाँ पर एक तरीके से वॉयलेशन ऑफ या फिर वॉयलेशन ऑफ जो लेबर राइट्स है उनका वॉयलेशन है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, वो आप देख लेना, उसमें आपको जाना नहीं है। जब आप कोड ऑन वेजेज या फिर अदर कोड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली प्रोविजन आप देखिए, अगर क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं प्रोविजन से आएंगे, आपसे कोई नहीं पूछ रहा है कि रिजर्वेशन किस बात पे है और किस बात पे लोग जो है इन पर्टिकुलर एक्ट से खपा है और फिर से गवर्नमेंट को या कोई पर्टिकुलर आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। कोई भी नया बिल आता है, नए चेंजेज आते हैं, तो उसके अगेंस्ट अपोजिशन कुछ ना कुछ आती है, ठीक है। तो परफेक्शन तो कहीं पर नहीं होता। तो अब है हमारा सेक्शन 18, 19, 20, ये इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है, बट फिर भी अगर आपसे पूछा जाए डिडक्शन सिंपली किस सेक्शन में है तो 18 में है, अगर आपसे पूछा जाए फाइन का जो प्रोविजन है वो किस में है, 19 में है, आपसे पूछा जाए डिडक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ड्यूटी कहाँ पे है तो वो सेक्शन 20 में है, ये इसीलिए आपको याद रखना है। बाकी ये आपसे कोई क्वेश्चन उसके अंदर का नहीं पूछेंगे, इसलिए मैंने ना इनके अंदर जो भी था डिडक्शन से रिलेटेड, काफ़ी आप देखेंगे प्रोविजन में तो बहुत लेंदी लेंदी पैराग्राफ्स है, उसमें नहीं जाना है, बट सिंपली ये जरूर याद रखना है कि 18 डिडक्शन, 19 फाइन, 20 डिडक्शन फ्रॉम द डिडक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है। नव यू सी चैप्टर 4th, ठीक है, और यहां पर आपका पेमेंट ऑफ बोनस सेक्शन 26। सेक्शन 26 में आपका बोनस से रिलेटेड प्रोविजन है, आपको पता है मैंने आपको बताया था कि जो बोनस से रिलेटेड एक्ट है वो भी सब्ज्यूम्ड किया गया है आपका कोड ऑन वेजेस में, 4 बताए थे आपको, ठीक है। तो सेक्शन 26 बेसिकली बोनस से रिलेटेड है, यहां पर दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। तो यहां पर सिंपली क्या है कि देयर सेल बोनस शैल बी पेड टू एवरी एम्प्लॉई ड्रॉइंग वेजेस नॉट एक्सीडिंग सच अमाउंट, ठीक है, एज डिटरमाइंड बाई नोटिफिकेशन बाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और बाई हिज एम्प्लॉयर हु हैज पुट इन एटलीस्ट 30 डेज वर्क। यहाँ पे क्या है, देखिए इस कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में मत जाइए, लोकल लैंग्वेज में मत जाइए, आप सिंपली समझिए कि अगर आपने एक अकाउंटिंग ईयर में 30 दिन काम किया है तो आप एलिजिबल है बोनस के लिए। अगर आपने एक अकाउंटिंग ईयर में 30 दिन काम किया है तो एलिजिबिलिटी आपकी बनती है बोनस के लिए। दूसरा क्या है कि एनुअल मिनिमम बोनस शुड बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 8.33% ऑफ वेजेस, ठीक है, जो उसका क्राइटेरिया होगा तो वो 8.33% टेज ऑफ वेजेस के बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, जो आपका एनुअल बोनस होगा वो आपकी जो आप जो सैलरी ले रहे हैं आपकी जो वेज है उसका 8.33% के बेसिस पे आप कैलकुलेट करेंगे उस बोनस को। तो दोनों दे दिया, एक तो क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, किसे मिलेगा, किसे मिलेगा, जिसने एक अकाउंटिंग ईयर में 30 दिन मिनिमम काम किया हो। अगर आपने 25 दिन काम किया आपको नहीं मिलेगा बोनस, पर किसी ने 30 और 30 से ज्यादा जो काम किया है वो एलिजिबल होगा, ठीक है, और क्राइटेरिया है 8.33% ऑफ वेजेस। जब भी आप बोनस को किसी के लिए आप बताएंगे कि बोनस होना कितना चाहिए तो वो ऐसे कैलकुलेट होगा कि वेज का 8.33%, ये दोनों चीजें याद रखनी, बस इसके बाद में यहां पे कुछ नहीं। फिर है आपका डिस्क्वालिफिकेशन, भाई आपको बोनस कब नहीं मिलेगा, भाई कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पे आपको बोनस नहीं मिलेगा, सेक्शन 29 में गिवन है, आपने फ्रॉड कर दिया, जनरल प्रोविजन है, देखिए आप कोई आप कन्विक्टेड हो जाते हैं किसी सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड केस में, आपने थेफ्ट किया, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड किया, कुछ भी आपने ऐसा काम किया जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के आप अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो वहां पे आप बोनस के
के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। चार ये पर्टिकुलर प्रोविजन है, आप देख लेना, और जनरल है, आप क्वेश्चन में आएगा आप लगा दोगे। सेक्शन 26 याद रखना, डिसक्वालिफिकेशन फॉर द बोनस, ठीक है। तो जनरली अगर आप यू आर वर्किंग अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन यू बिकम इनएलिजिबल फॉर द बोनस। अब आते हैं आपका टाइम लिमिट। अब बोनस जो है आपका वो कब तक आपको मिल जाना चाहिए, जैसे वेज में हमने बताया कि अगर जनरल की मैं बात करूँ आपको मंथली मिल रहा है तो 7 तारीख तक आपको वेज मिल जानी चाहिए। 7 के बाद आपको कोई दे रहा है तो आप बोलेंगे कि दिस इज द वॉयलेशन ऑफ माई लीगल राइट, ठीक है। मैं बता रहा हूँ सर अब मेरे लीगल राइट का वॉयलेशन हो गया तो मैं अब जाऊँगा पर प्रॉपर चैनल में। यहाँ पर आप बोनस में क्या है, अब आप देख सकते हैं कि ऑल अमाउंट पेबल टू एन एम्प्लॉई बाई द वे ऑफ बोनस अंडर दिस एक्ट सेल बी पेड बाई क्रेडिटिंग इट इन द बैंक अकाउंट ऑफ एम्प्लॉई बाई हिज एम्प्लॉयर विद इन ए पीरियड ऑफ 8 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जिस साल में आप पर्टिकुलर कोई भी पीरियड ले रहे हैं, अकाउंटिंग ईयर एक पर्टिकुलर आप ले रहे हैं, तो उसके खत्म होने के 8 महीने के अंदर अंदर वो बोनस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए, बस 8 months आप याद रखना। तो अब अगर आप किसी कंपनी में काम करेंगे और कोड ऑन वेजेस जो आपका एप्लीकेबल होगा जब, तो आप बोलेंगे कि भाई 8 accounting year में हमें तो अपना बोनस दे दीजिए, ठीक है। ये देखिए ये सारे प्रोविजन आए कहाँ से, कोडिफिकेशन किया है तो वहीं से बेसिक। जब मैं आपको बेसिक एक्ट दिखाऊंगा तो बहुत सारे प्रोविजन आपको वहीं पर मिलेंगे, बट अभी जनरल हम जो अपना एक कोडिफाइड लॉ पढ़ रहे हैं, कोडिफाइड जो एक्ट है वो पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम सिंपल प्रोविजन देख रहे हैं। बट जो जनरल सिंगल एक्ट थे उन्हीं से तो ये सब प्रोविजन लिए गए, कुछ मॉडिफिकेशन है, कुछ एजिटेज है, वो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये तो उसमें भी था तो कोडिफाइड ही तो किया गया है, ठीक। अब यहां पर क्या है कि अगर अगर जो एम्प्लॉयर है उसके पास एक सफिशियंट ग्राउंड है, रीजन है, और उसे लगता है कि मैं अभी बोनस नहीं दे पा रहा हूं, तो उस केसेस में भी कैसा भी वो रीजन है तो 8 months का क्राइटेरिया का तो एग्जम्प्ट कर देते हैं, बट उसमें क्या बोला गया है, टाइम पीरियड अगर एक्सटेंड हो सकता है तो वो मैक्सिमम 2 साल हो सकता है। आप अपने एम्प्लॉय को बोल सकते हो भाई चलो इस साल के लिए, मान लिया आप इस अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहे हैं तो उसमें 8 months नहीं हुआ, तो आप बोल सकते हो अगले 2 साल के अंदर तो मैं कर ही दूंगा, बट उसमें आपको एक अप्रोप्रिएट सफिशियंट रीजन देना पड़ेगा, उसके बिना नहीं कर सकते। बट हाँ यहां पर आप कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिटेशन 2 साल है और जनरल लिमिटेशन 8 months है, ठीक है। स्पेशल केसेज की यहां पर हम बात करते हैं। अब आइए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 42 है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे कि सेक्शन 42 क्या बोलता है, सेक्शन 42 बोलता है कि देयर शुड बी 2 टाइप ऑफ बोर्ड्स, ठीक है। ये 2 बोर्ड बनेंगे, एक सेंट्रल लेवल पे बनेगा, एक स्टेट लेवल पे बनेगा। दोनों किसमें है, सेक्शन 42 में है, ये ध्यान रखना। आप सोचे कि सेंट्रल एक में होगा स्टेट एक में, नहीं, दोनों का प्रोविजन सेक्शन 42 में। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आप मानिए यहां पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्या बोलते हैं, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक बोर्ड फॉर्म करेगी जिसका नाम होगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, कैब। अब इस कैब के जो मेंबर होंगे वो कौन होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर आप ये 4 सेक्शन देखेंगे। पहला क्या है, एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने वाले, जो एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा क्या है, रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करेंगे। और इससे बड़ी बात क्या है कि दोनों इक्वल होंगे। अगर आपने 2 मेंबर लिए कि 2 मेंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्प्लॉयर को, तो 2 ही मेंबर एम्प्लॉयज जो है उनको रिप्रेजेंट करेंगे। यहां इन दोनों में इक्वालिटी होगी, दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अगर आपने यहां पे मान लीजिए 2 है तो यहां पे भी 2 ही होगा। तीसरा क्या है, इंडिपेंडेंट पर्सन होने चाहिए, और वो इंडिपेंडेंट पर्सन क्या होने चाहिए, वो आपके 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे। टोटल नंबर आप मान लीजिए आपने टोटल बोर्ड बनाया 15 का, ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे वो आपके 5 से कम ही होंगे, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते या 5 हो सकते, ठीक है, ये आपका इंडिपेंडेंट मेंबर। फिर है आपका कि 5
जो पर्सन होंगे, पांच जो लोग होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है। अब वो स्टेट गवर्नमेंट के जो नॉमिनेटेड लोग होंगे उनको डिसाइड कौन करेगा, उनको डिसाइड सेंटर करेगी, उन गवर्नमेंट को डिसाइड सेंटर करेगी, फिर वो स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। भाई आपको पता है कि इंडिया की अगर अब आज की टाइम की बात करो तो आपका आप बोलेंगे कि 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो स्टेट गवर्नमेंट ही भेजेगी, बट वो कौन सी पांच स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए ये डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पांच स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकती है कि भाई आप अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजो, ठीक है। और इसमें भी क्या है कि इसके बाद फिर हम देखेंगे कि जितने भी मेंबर हैं टोटल मिला के उनमें से अब 1/3 जो है आपके एटलीस्ट, यहां पे क्या था लेस देन, अब वहां पे क्या है कि यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर 15 मेंबर है तो कम से कम पांच लोग क्या होना चाहिए, वो फीमेल होनी चाहिए, वुमेन रिप्रेजेंटेशन 1/3 एटलीस्ट होना चाहिए। और जो यहां पर मैं बताया था इंडिपेंडेंट कि इससे ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है, नॉट एक्सीडिंग, यहां पे क्या है नॉट 1/3, ठीक है, 1/3 यहां पे गिवन है, ठीक है। तो 1/3 होंगे बट उससे ज्यादा हो सकते हैं, यहां पर उससे ज्यादा नहीं हो सकते इंडिपेंडेंट के केस में, यहां पे वो कंफ्यूज कर सकते हैं। अब स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे ये आपका सेक्शन 42 और इसका क्लोज 4, ये आप ध्यान रखना कि सेक्शन 42 क्लोज 4 में है, वो आपको पर्टिकुलरली ये क्लोज भी दे सकते हैं, 42 के सेकंड में है, 42 के फर्स्ट में है, 42 के थर्ड में है, ये 42 के 4 में है, ठीक है। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, वो आपका किस चीज के लिए, मैंने आपको फिर बताया कि ये दोनों के ही काम ये रहेंगे कि आप रिकमेंडेशन देंगे लेबर वेलफेयर से, बहुत सारी फिक्सेशन ऑफ वेजेस से रिलेटेड, मिनिमम वेजेस, बहुत सारे, इन सबको आपको याद नहीं करना है और ना ही ये जरूरी है। आप स्ट्रक्चर देखिए कि इस स्टेट बोर्ड की स्ट्रक्चर क्या होगी, जैसे हमने सेंट्रल की देखी तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी दोनों चीजें सेम है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज दोनों इक्वल होंगे, सेंटर और स्टेट दोनों में कंडीशन सेम है। फिर आप आते हैं इंडिपेंडेंट पर्सन, सेम है, एक्सीड नहीं होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1/3 होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर ये कंडीशन भी सेम है, क्या है कि आपका 1/3 जो है वुमेन होनी चाहिए, ये एक मिनिमम बार है, ठीक है। यहां पर आपको पता ही है कि यहां पर वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे जो हमने वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के, क्योंकि ये स्टेट लेवल की कमेटी है। अब चलते हैं सेक्शन 48। देखिए सेक्शन 48 आपको कोई प्रोसीजर ऑडिट का नहीं समझना, बट ऑडिट एक इतनी इंपॉर्टेंट आपकी एक प्रक्रिया है और एक इस टाइप का प्रोसीजर है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप एफिशिएंसी देखेंगे, किसी भी कंट्री की एफिशिएंसी देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की एफिशिएंसी देखेंगे और डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी देखेंगे, ऑडिट पे काफी डिपेंड करती है। तो ऑडिट एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, तो ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजन कोड ऑन वेजेस एक्ट में सेक्शन 48 में दिया गया, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है, बस आपसे पूछा जा सकता है कि ऑडिट का प्रोविजन कहां पे है, सेक्शन 48, इसलिए मैंने ना इस पे कुछ लिखा, बस सेक्शन 48 है। अब अपील है, देखिए अपील में भी मैं आपको ये सारी चीज नहीं बताऊंगा, ये मैं आपके एमसीक्यू में इंक्लूड करके रखूंगा, एमसीक्यू में आप देखेंगे अपील से रिलेटेड जो इंपोर्टेंट प्रोविजन रहेगा वो मैं आपको वहां पे बता दूंगा, बट अभी आप देख लीजिए कि 49 में अपील है, ठीक है, ऑडिट 48 और 49 में अपील है, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा कि कौन पर्टिकुलर पर्सन क्या किस टाइप का प्रोसीजर, वो मैंने एमसीक्यू में इंक्लूड किया हुआ है, यहाँ पे कंबरसम हो जाता, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता तो इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। 49 में अपील है। अब है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। देखिए आप पता होगा कि जब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म आई तब एक बात होती है इंस्पेक्टर राज था, इंडिया में ओपन इंडस्ट्री नहीं थी, इंडिया में ओपन एटमोस्फेयर नहीं मिलता था, ठीक है, लाइसेंसेस दिए जाते थे इंस्पेक्टर्स आके, तो वो एक पूरी तरीके से डर का माहौल रहता था, जो लोग इंडस्ट्री ओपन करते थे उनको रहता था कि भाई इंस्पेक्टर आएगा हमसे या किसी टाइप का कोई मतलब प्रेशर डालेगा, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ या इलीगल बेनिफिट्स या कुछ गेन्स का सोचेगा। तो इस इंस्पेक्टर को
इन्होंने चेंज करके यहां पे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर रखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप डरो कि वो सिर्फ चेक करने, यहां पे आओ फैसिलिटेटर का भी काम करेगा, कुछ ऐसा इश्यूज है जिसको वो रिजोल्व कर पाए, कुछ ऐसा डिस्प्यूट है जिसको वो अपने लेवल पे रिजोल्व कर पाए, उसके में भी काम आएगा, तो इसलिए इसका नाम रखा गया इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। जनरली ये क्या करेगा, वर्किंग कंडीशन, मिनिमम वेज फिक्स मिल रही है नहीं मिल रही है, उनको जो बेनिफिट यहाँ पे देने जाने चाहिए थे वो मिल रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री फैक्ट्री में, तो वो काम करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। इस पूरे एक्ट में ही जो चीजें प्रोविजन दिए गए हैं उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है उसको चेक ये करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन इसमें है। ठीक है, अब ठीक है, तो यहां पर उसकी पावर्स थोड़ी देख लेते हैं, वैसे जनरल मैंने आपको बता दिया। तो पावर्स में ही कैन एग्जामिन एनी पर्सन हु इज फाउंड इन द प्रीमाइसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट whom the inspector cum facilitator has reasonable cause to believe is a worker of establishment। अगर उसको लगता है ये particular person worker है वो जाके उसको examine कर सकता है। ठीक है, तो बहुत important power है। He can require any person to give information which is in the in is in is he sorry which is in his power to give with respect to the names and addresses of person, सर्च सीज और टेक कॉपीज ऑफ सच रजिस्टर रिकॉर्ड ऑफ वेजेस नोटिसेस पोर्शंस देयर ऑफ एज द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मे कंसिडर रेलेवेंट इन रेस्पेक्ट टू द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। ठीक है, अगर उसको लगता है कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, कोई रजिस्टर है, उसको लगता है एज एविडेंस काम कर सकता है, उसको सीज कर सकता है, इंपोर्टेंट पावर है। Bring to the notice of appropriate government defects or abuse not covered by law for the time being in force। वो सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी स्टेट या सेंटर दोनों के सामने इस टाइप के जो भी डिफेक्ट्स उसे लगते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ में या इंप्लीमेंटेशन के बाद में भी कुछ ऐसी चीजें रह गई उनको बोलेगा, उनके नोटिस में लेके आएगा। फिर है एक्सरसाइज सच अदर पावर एज मे बी प्रिस्क्राइब, कुछ और पावर भी उसे दी जा सकती है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पावर्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स है और इसके बाद में हम इसको एंड करते हैं यहीं पे। और जो बाकी इसमें आपका कोड ऑन वेजेस में जो पर्टिकुलर प्रोविजन बचे होंगे उसको एमसीक्यू के थ्रू मैं करूंगा, बट सारे मैंने कवर कर दिए, इससे ज़्यादा मैं आपको जाना नहीं, ये डिटेल्ड एनालिसिस था। इसके बाद में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड पे चलेंगे और वहाँ पर हम ट्रेड यूनियन से रिलेटेड और एस्पेक्ट पढ़ेंगे जो हमने पहले ट्रेड यूनियनिज्म में देखा। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर यहाँ पर एंड करता हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं आप कमेंट करिए और अपने सजेशंस दीजिए, आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है यहाँ पे प्रशासनिक गुरुकुल की टीम आपके पर्टिकुलर क्वेरी को रिजोल्व करेगी और वहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि फैकल्टी से इंटरेक्शन होना चाहिए, दे मे हैव सम काइंड ऑफ एक इंटरेक्टिव सेशन और डाउट क्लियरिंग सेशन, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि डाउट क्लियरिंग सेशन हो सकता है, तो वो वेब पेज के थ्रू और जूम के थ्रू हो सकता है या किसी डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकता है, हमारी अपनी पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू हो सकता है, तो डिफरेंट उसमें मीडियम हो सकते हैं, तो आपके साथ इंटरेक्शन हो सकता है। आप सब लोग कमेंट करिए, आपको लग रहा है कि ये अच्छी है और इसमें या फिर पर्टिकुलर आपको किसी और उस पर भी वीडियो चाहिए, कोई एक दो शॉर्ट वीडियो हम और बना सकते हैं, बट लेबर लॉ के जनरल और सारे एस्पेक्ट मैंने यहाँ पे क्लियर किए हुए हैं। सो थैंक यू सो मच।